दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो मैथ का चैप्टर फोर है शारीरिक ठीक है इसी का हम एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव को सॉल्व करने वाले हैं ठीक है थीके? और इससे पीछे का जितने भी एक्सरसाइज है इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा तो इसमें हमने पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर नाइन तक सॉल्व कर दिया था ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन तक हमने सॉल्व कर दिया था और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो अब ये पार्ट टू है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर टेन से सॉल्व करेंगे ठीक है और जो भी बेसिक होगा उसके साथ साथ में बताते चलेंगे तो चलिए चलें इसको देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न पाँच से ग्यारह तक में दिए गए प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए ठीक है तो नाइन तक तो हमने कर दिया था इसलिए यहाँ पर हमने टेन को लिया है ठीक है तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हैं व्युत्क्रम व्युतक्रम मतलब कि ये जिसके बराबर दिया है उसका हमें उल्टा ज्ञात करना है तो ये हमारा कुछ नहीं तो मान लेते हैं कि ये ए बराबर दिया है ठीक है अब ए का हमें उल्टा मतलब कि ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है अगर बी आप यहाँ पर मानते हैं इसको बी बराबर तो कुछ भी मान सकते हैं ठीक है थीके? तो बी बराबर मानेंगे तो बी इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है वन अपन में सार्डिक में ए और एड जॉइ ठीक है इसको शॉर्टकट में ए डी जे और ए लिखते हैं ठीक है ये हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे उसके बाद से एडज्वाइंट इसी का निकालेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या हम इसको हम सार्डिक में लिख देंगे और उसके बाद से क्या लिखेंगे अब इसको हम ये निकालेंगे ठीक है तो लिखेंगे एक तो यहाँ पर हो जाएगा एक अब इसके बाद से ये वाला और ये वाला इसको छोड़ देंगे और इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो चार दोनों आठ यहाँ पर लिख देंगे आठ बीच में लगाएंगे माइनस ठीक है फॉर्मूले में होता है ये हमने एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन में बता रखा है ठीक है ये कैसे होता है अब इसके बाद से इस माइनस का इस माइनस के साथ जब गुणा होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा दो तीन छः प्लस में छः तो बीच में होता है माइनस यहाँ पर ये छः हो जाएगा फिर माइनस का वन यहाँ पर फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और वन और फिर वही काम अब इसके नीचे वाला ये पूरा और ये पूरा इसको नहीं लेंगे अब ये ये और ये इसको लेंगे ठीक है तो जीरो का गुणा इसके साथ तो जीरो हो जाएगा तीन का गुणा इसके साथ तो माइनस का तो नौ यहाँ माइनस पहले से होता है फिर माइनस का नौ तो हो जाएगा प्लस का नौ अब इसके पास ये दो तो प्लस का दो अब ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट ठीक है दो के नीचे वाला और ये पूरा तो अब जीरो का गुणा इसके साथ तो जीरो हो जाएगा तीन दोनों छः माइनस का हो जाएगा छः अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर दो हो जाएगा और यहाँ पर नौ और उसके बाद से यहाँ पर माइनस और इसमें देखिए छः दोनों बारह ये माइनस का बारह होगा ना यहाँ पर हमने छः लिख रखा है नौ दो एक ग्यारह और एक बारह यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का वन आएगा ठीक है माइनस का वन ये हमारा सही हुआ अब इसके बाद से क्या करेंगे अब इसका यूज पड़ेगा ठीक है क्योंकि एडजॉइंट ज्ञात करना है तो एडज्वाइंट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट इसका को फैक्टर ज्ञात करेंगे ठीक है और उसी से हम ये वाला शखंड मतलब कि एडजॉइंट ज्ञात कर लेंगे कैसे देखिए उपसारडी को हम कैसे लिखते हैं मतलब कि को फैक्टर को हम ए कैपिटल ए से दर्शाते हैं अब इसके बाद से ये ए ग्यारह इसका अगर आप लोगों ने पार्ट वन देख लिया होगा तब आपको बेहतर तरीके से ये वाला समझ में आ जाएगा उसके बाद से ए ग्यारह फिर बारह तेरह यहाँ पर ये बारह यहाँ पर ये यह तेरह ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे ये ग्यारह मतलब कि यहाँ पर ये यह, कोने पर कौन सा एक है तो एक को हम इसके नीचे वाला छोड़ देंगे या ये सामने वाला छोड़ देंगे इसका गुणा इसके साथ फिर इसका गुणा इसके साथ तो दो चौका आठ यहाँ पर कर देंगे आठ ठीक है दो तीन छः तो ये हो जाएगा माइनस का छः ठीक है अब इसके बाद से क्या हो जाएगा ये इसको घटा देंगे तो हो जाएगा दो यहाँ पर क्या है एक और एक दो होता है दो एक क्या है एक सम है तो जब सम हो तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा विषम संख्या हो तो माइनस का चिन्ह होगा ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे बारह तो बारह यहाँ पर है मतलब कि ये वाला अब इसके नीचे वाला पूरा साइलेंट ये वाला पूरा साइलेंट इसका गुणा इसके साथ फिर इसका गुणा इसके साथ तो ये जीरो हो जाएगा मतलब कि ये जीरो फिर तीन त्री का नौ माइनस का नौ ठीक है बीच में यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है और ये भी माइनस तो ये हो जाएगा प्लस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नौ एक और दो तीन होता है तो तीन एक विषम है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा अब तेरह में आते हैं तो ये वाला ये साइलेंट ये साइलेंट जीरो का गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा जीरो तीन का गुणा इसके साथ तो छः हो जाएगा माइनस का छः अब इसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पर ये माइनस का छः आ जाएगा तीन और एक चार ये एक विषम होता है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का गुणा जब प्लस के साथ होगा तो ये माइनस ही रह जाएगा ठीक है अब इसके बाद से देखिए अब ये ग्यारह हो गया अब इक्कीस में आते हैं ए इक्कीस ए बाईस ए तेईस अब इसमें भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे इक्कीस यहाँ पर है मतलब कि ये वाला तो जब इसको लेंगे तो ये पूरा साइलेंट ये साइलेंट ठीक है अब जीरो को यहाँ पर नहीं लिखेंगे बस केवल इसका गुणा ही लिखना है तो ये साइलेंट ये साइलेंट एक का गुणा चार के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का चार हो जाएगा फिर दो का गुणा इसके साथ तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस रहता है ठीक है दो दो न चार ये हो जाएगा प्लस का चार मतलब कि जीरो आ गया अब इसके बाद से क्या करेंगे बाईस का बाईस का जब लेंगे तो ये और ये पूरा सालेंट कोने वाला गुणा करेंगे चार का इस, इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा चार फिर इसका इसके साथ होगा तो माइनस का छः हो जाएगा अब ये घटा देंगे तो माइनस का दो दो और दो चार होता है ठीक है चार एक सम है तो यहाँ पर ये माइनस ही रह जाएगा अब इसके बाद से फिर तेईस नंबर ये वाला तो ये साइलेंट ये साइलेंट इसका गुणा इसके साथ ये साइलेंट ये साइलेंट एक का गुणा गुण माइनस दो के साथ तो माइनस का दो तीन का गुणा इसके साथ तो प्लस का तीन हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद से इसको घटा देंगे तो वन आएगा दो और तीन पाँच पाँच एक विषम है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा अब आइए अब इकतीस बत्तीस और तैंतीस को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा इकतीस इसमें कौन सा है ये वाला ठीक है मतलब कि ये वाला ये साइलेंट ये साइलेंट एक का गुणा इसके साथ तो दोनों माइनस में तो हो जाएगा तीन फिर अब इसके बाद से दो का गुणा इसके साथ तो माइनस का चार हो जाएगा ये माइनस का वन तीन और एक चार ये एक सम है ठीक है तो यहाँ पर ये माइनस ही रह जाएगा अब इसके बाद से बत्तीस नंबर पर ये वाला मतलब कि ये वाला तो ये पूरा साइलेंट ये साइलेंट एक का गुणा माइनस तीन के साथ तो माइनस का तीन हो जाएगा üzीके? जीरो का इसके साथ तो माइनस का जीरो मतलब कि ये माइनस का तीन अब ये क्या है तीन और दो पाँच एक विषम है तो विषम है मतलब कि माइनस होगा यहाँ पर माइनस होगा पहले से ही माइनस है। एक और माइनस तो हो जाएगा प्लस अब इसके बाद से तैंतीस नंबर ये वाला कोने वाला तो ये सैलेंट ये सैलेंट एक का गुणा दो के साथ दो हो जाएगा फिर जीरो का गुणा एक के साथ तो जीरो हो जाएगा अब ये दो अब तीन और तीन छः एक क्या है सम है तो इसलिए ये प्लस में रह जाएगा अब इसके बाद से क्या करेंगे अब यहीं से हम एड ज्ञात कर लेंगे तो लिखेंगे ए डी जे और ए ठीक है अब इसमें हम क्या लिख देंगे ये पहला वाला इसको हम क्या करेंगे देखिए इसमें क्या है ग्यारह बारह तेरह इस तरह से तो इसी को हम ये क्या है ये पंक्ति के रूप में तो इसी को कॉलम के रूप में कर देंगे तो ग्यारह बारह तेरह को इसी को हम सीधा सीधा इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे दो माइनस का नाइन माइनस का सिक्स अब इसके बाद ये वाला जीरो माइनस का टू माइनस का वन फिर ये वाला माइनस का वन तीन और दो ठीक है तो ये हमने इसका एडजोइंट निकाल लिया अब क्या करेंगे अब बस इसी का मान रख देंगे यहाँ पर हम कहाँ पर फॉर्मूला ये वाला इसके स्थान पर और इसके स्थान पर तो ये वाला पहले रखते हैं तो सबसे पहले क्या है वन अपान में ए ए सार्डिक तो इसका मान क्या है यहाँ पर माइनस का वन आया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए इनवर्स बराबर में वन अपान में माइनस का वन ठीक है माइनस का वन अब इसके बाद से ये वाला रख देंगे दो जीरो माइनस का वन माइनस का नाइन माइनस का टू थ्री माइनस का सिक्स माइनस वन और टू हो गया इतना अब इसके बाद से क्या करेंगे अब इस तरह ये तो कट जाएगा माइनस के इसमें गुणा कर दीजिए तो ये ए इनवर्स बराबर में ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ये क्या हो जाएगा ये माइनस में नहीं माइनस में नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस का दो ये ज़ीरो वन ये नाइन प्लस में हो जाएगा माइनस में तो ये नाइन और ये टू फिर जो जो प्लस में वो माइनस में कर देना है तो माइनस में थ्री अब ये भी माइनस में टू फिर ये क्या है माइनस में है, ये भी माइनस में तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा सिक्स और ये आपका आंसर आ गया ठीक है चलिए अगला देखते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन ठीक है तो इसको भी सेम इसी प्रकाश करना है फॉर्मूला क्या है हमारा ए इनवर्स बराबर में वन अपान में मोड में ए उसके बाद से एड ज्वाइंट ए डी जे और यहाँ पर ए ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है तो सबसे पहले क्या करेंगे ये वाला निकालेंगे उसके बाद से एड ज्वाइंट निकालेंगे तो उसके लिए यहाँ से हम लेंगे हिंट ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे ये वाला निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें लिखेंगे सबसे पहले शारीरिक में ए अब यहाँ पर एक लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने एक ले लिया अब ये साइलेंट ये पूरा साइलेंट इसका गुणा इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा है तो अल्फ़ा लगा देंगे फिर इसका गुणा इसके साथ तो बीच में रहता है माइनस ठीक है इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है इस तरह से हो जाएगा अब इसके बाद से क्या करेंगे इसको इसी तरह से छोड़ देंगे इसमें से हम माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन इसको आगे लेंगे कॉमन ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे इसका हम एडजॉइंट याद कर लेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ए हाँ और इसमें क्या है यहाँ पर ये यह जीरो जीरो को हमने क्यों नहीं लिया है हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर हम मान लीजिए माइनस का यहाँ पर जीरो लगाएंगे फिर यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा जीरो के गुणा करने के कारण ठीक है फिर प्लस में अब ये वाला लेंगे फिर यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो जीरो हो जाएगा इसलिए हमने इन दोनों जीरो की वजह से इसको हमने छोड़ दिया ठीक है ठीके? एक यहाँ पर लिया था यहाँ पर लिख लिया हमने अब ये दोनों हमने लिख दिया है ठीक है अब चलिए ज्वाइंट में किया करते हैं तो ए ग्यारह ए बारह ए तेरह ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे अब यहाँ पर ये यह हमारा क्या है ए ग्यारह तो ए ग्यारह कहाँ पर है ये वाला मतलब कि ये वाला लेंगे ठीक है तो ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट और जब एडजॉइंट ज्ञात करते हैं मतलब कि इसका जो को फैक्टर जब निकालेंगे तो को फैक्टर का एक खासियत होता है कि ये वाला हम नहीं लिखते हैं कभी भी अब ये हमने ले लिया ये साइलेंट ये साइलेंट अब बस इन्हीं का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है इसका गुणा इसके साथ कटेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा माइनस है तो माइनस लग गया ठीक है इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो फॉर्मूले माइनस होता है तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया हो गया इतना अब इसके बाद से क्या करेंगे अब यहाँ पर ये क्या है वन वन है ठीक है तो वन क्या है एक सम है तो इसमें इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा अब यहाँ पर क्या है बारह है तो ये बारह नंबर तो ये जीरो लेंगे तो ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट जीरो का गुणा इसके साथ फिर जीरो का गुणा इसके साथ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ठीक है बराबर में जीरो आ गया तो चलिए अब यहाँ से हम ये तेरह भी निकाल लेते हैं ठीक है तो तेरह यहाँ पर काम यहाँ पर ये वाला तेरह ठीक है तो ये वाला साइलेंट ये वाला साइलेंट मतलब जीरो का गुणा इसके साथ फिर जीरो का गुणा इसके साथ मतलब कि पूरा पूरा ये बराबर में जीरो आ गया है, ठीक है अब चलिए अब उसके बाद इक्कीस बाईस और तेईस को देखते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा इक्कीस उसके बाद से बाईस उसके बाद से तेईस ठीक है तो इक्कीस यहाँ पर कहा तो ये वाला मतलब कि जीरो ये वाला ठीक है ये पूरा साइलेंट ये साइलेंट जीरो तो को गुणा इसके साथ फिर साइन अल्फा का गुणा जीरो के साथ तो ये मतलब कि पूरा जीरो आ गया ठीक है अब बाईस नंबर में बाईस ये वाला मतलब कि एक का इसके साथ गुणा कर फिर ये जीरो का जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा एक का जब इसके साथ करेंगे तो माइनस में कॉस अल्फा हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे इसके चिन्ह को बदलेंगे तो दो दो चार चार क्या है एक सम है जब सम हो तो इसमें के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो भी रहेगा वो रहेगा ठीक है जब सम रहता है प्लस करते हैं तो यहाँ पर प्लस का गुणा जब माइनस के साथ करेंगे तो ये माइनस ही रह जाएगा अब इसके बाद से क्या करेंगे ए तेईस मतलब कि यहाँ पर तेईस है तो तेईस ये वाला तो ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट एक का गुना फिर साइन अल्फा के साथ तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन अल्फा ठीक है अब इसके बाद से ये क्या है तीन दो पाँच पाँच क्या है एक विषम है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा अब चलिए आगे करते हैं इसको तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए इकतीस ए बत्तीस और ए तैंतीस ठीक है अब इसके बाद से हम क्या करेंगे तैतीस कहाँ इकतीस कहाँ ये वाला मतलब कि ये साइलेंट ये साइलेंट इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ होगा तो ये जीरो हो जाएगा इकतीस नंबर जीरो हो गया ठीक है अब बत्तीस देखते हैं तो बत्तीस यहाँ पर है तो ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट मतलब कि ये बत्तीस नंबर ये वाला है ठीक है तो ये पूरा पूरा साइलेंट होगा फिर ये साइलेंट एक का गुना इसके साथ करेंगे तो साइन अल्फा फिर ये इसका जीरो का जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन अल्फा अब इसमें क्या है तीन दो पाँच क्या है तीन और दो पाँच पाँच क्या है एक विषम है ठीक है तो विषम है तो क्या करेंगे माइनस लगा देंगे अब इसके बाद से तैंतीस तो यहाँ पर ये तैंतीस है मतलब कि ये माइनस का कॉस अल्फा तो ये पूरा साइलेंट ये पूरा साइलेंट एक का कॉस अल्फा के साथ फिर जीरो का जीरो के साथ तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कॉस अल्फा हो जाएगा ठीक है तीन तीन छः छः क्या है एक सम है तो यहाँ पर प्लस ही रह जाएगा तो ये हमारा निकल गया ठीक है अब क्या करते हैं अब एडज्वाइंट ज्ञात कर लेते हैं तो लिखेंगे ए डी जे और ए बराबर में और क्या करेंगे ये सीधा सीधा इसको हम उतार देंगे यहाँ पर ठीक है तो ये वाला माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है फिर उसके नीचे जीरो तो ये जीरो जीरो फिर इसके बाद से जीरो यहाँ पर जीरो माइनस का कॉस अल्फ़ा फिर ये माइनस का साइन अल्फ़ा ठीक है फिर ये जीरो ये जीरो माइनस का साइन अल्फा फिर ये कॉस अल्फा ये हो गया ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे अब इसका हमें ये वाला हमें ज्ञात करना है ठीक है तो इसको हम जब हमने हल किया है तो क्या मिला है ये वाला इतना मिला है ठीक है और उसके बाद से जब ये वाला हमने निकाला यहाँ पर निकाल रखा है तो इसको हम क्या करेंगे अब इसका मान रख देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा वन अपान में माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है अब इसके बाद से ब्रैकेट में ये वाला कर देंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा फिर उसके नीचे जीरो जीरो फिर तो यहाँ पर जीरो माइनस का कॉस अल्फ़ा फिर माइनस का साइन अल्फ़ा फिर यहाँ पर जीरो माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये चीज़ हो जाएगा अब एक चीज़ आपको पता होगा कि ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कैसे फार्मूला इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एक ठीक है मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ जैसे कि इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या प्लस हो गया तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर वन होता है ठीक है मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का वन आ जाएगा यहाँ पर ठीक है तो उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे ये वन ऊपर जैसे कि यहाँ पर वन है फिर यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा माइनस का वन इस वन से ये वन कट जाएगा बराबर में माइनस का वन एक बार बच जाएगा यहाँ पर ठीक है तो माइनस का वन यहाँ लिख देते हैं अब इसके बाद से क्या हो जाएगा यह, यहाँ तो जा जा भी क्या हो जाएगा यहाँ भी माइनस का वन हो जाएगा माइनस का वन ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे ये सबको उतार देंगे यहाँ पर जीरो फिर ये जीरो फिर इसके नीचे जीरो जीरो माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फ़ा ये चीज़ ठीक है अब इस माइनस वन से जब इसमें गुणा कर देंगे तो जो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा ठीक है तो ये ए इनवर्स बराबर जो हमारा फाइनल निकलेगा ये यहाँ भी लग देंगे ए इनवर्स ठीक है ए इनवर्स बराबर जो फाइनल हमारा निकलेगा वो ये वाला निकल जाएगा वन जीरो जीरो फिर उसके बाद से जीरो जीरो ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा फिर ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा फिर ये भी हो जाएगा साइन अल्फा ये प्लस में तो माइनस में कॉस अल्फ़ा और ये इसका फाइनल आंसर हो गया ठीक है तो चलिए अगला देखते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर बारह में क्या है कि यहाँ पर ये दिया है यदि ए बराबर ये वैल्यू दे दिया है वी बराबर ये वैल्यू दे दिया है ठीक है उसके बाद से ए बी का होल इनवर्स और ये बी इनवर्स और ए इनवर्स इन सभी का मान हमें बताना है ये पूछ रहा है सिंपल कि ए बी का इनवर्स का जो वैल्यू आएगा क्या वो बराबर होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के वैल्यू के ठीक है इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे उसके बाद से फिर देखेंगे मिलाएंगे कि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर आ रहा है तब तो, तो ठीक है अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमें सत्यापित करना है तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ए बी का होल इनवर्स निकालना मतलब कि ए बी की वैल्यू हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा ठीक है तो ए बराबर ये है बी बराबर ये है, इन दोनों को पहले गुणा करते हैं तो ए बी बराबर में ये हो जाएगा तीन सात दो पाँच ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे छ सात आठ और नौ ये चीज़ लिख देंगे ठीक है अब इसका गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको गुणा तो पता ही होगा छः तरीका अठारह यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद से सात सत्य उनचास उसके बाद से अठतरीका चौबीस यहाँ पर लिखेंगे चौबीस फिर सात नौ तिरसठ ये हो जाएगा तिरसठ ठीक है अब इसके बाद से फिर दो से इसमें दो छः बारह पाँच सात पैंतीस फिर ये दो अठे सोलह फिर पाँच नौ पैंतालीस पैंतालीस ये हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद से फिर इसी को जोड़ करके लिख देना है सर ठीक है छः सात और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा साठ और चार तीन अस्सी सात सतासी हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा सत्तासी अब इसके बाद से यहाँ पर ये तीस दस चालीस और सात सैतालीस ये हो जाएगा सैंतालीस फिर ये क्या हो जाएगा इकसठ ये हो जाएगा इकसठ ठीक है इतना हो गया ये हमारा क्या निकला ए बी की वैल्यू निकल गई ये इतना ठीक है थेक्ष? अब क्या करते हैं अब यहीं से हम एड ज्ञात कर लेंगे अब क्यों ज्ञात करेंगे ये चीज़ समझिए अब हमें क्या निकालना है इसमें ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो ए बी बराबर ये हमने निकाल दिया है तो ए बी का होल इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा जैसे कि हम लोग फॉर्मूला होता था कि ए इनवर्स बराबर में वन अपान में ए और उसके बाद से एड जॉइंट ए डी जे और ए ये हमारा ए के लिए फॉर्मूला होता था ठीक है अब हमें ए बी के लिए ज्ञात करना तो जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ पर हम ए बी कर देंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा तब फार्मूला हमारा हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर में वन अपान में ए बी और उसके बाद से ये सारडिक में उसके बाद से ए डी जे और यहाँ पर ए बी ये यह यहाँ पाप फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर हमें ये चीज़ याद करना है तो ये वाला सबसे पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद से अर्ज्वाइंट भी निकालना पड़ेगा तो ए बी तो हमने निकाल दिया है अब इसका हम क्या करें पहले ये वाला निकाल लेते हैं ठीक है सार्डिक निकाल लेते हैं तो ए बी का जो सार्डिक होगा वो इसका गुणा इसके साथ फिर इसका गुणा इसके साथ ठीक है मैं करके फाइनल बता रहा हूँ आपको तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा चालीस सतासी और माइनस में चालीस नवासी ठीक है ये जीरो है और यहाँ पर ये भी जीरो है तो इसको घटाएंगे तो माइनस का दो आएगा ठीक है तो साढ़े एक इसका निकल गया अब इसके बाद से एडजॉइंट याद करेंगे तो एडजॉइंट को हम ट्रिक से कर देते हैं इसको लिखिए ए डी और जे फिर यहाँ पर ए बी ये लिखिए उसके बाद से फिर क्या करिए इन दोनों को आपस में चेंज करिए और इसके साइन को चेंज करिए मतलब कि चिन्ह बदल दीजिए तो ये हो जाएगा इकसठ यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद से फिर ये सड़सठ यहाँ पर हो जाएगा अब इन दोनों के चिन्ह को बता माइनस का ये सतासी हो जाएगा और ये माइनस का सैंतालीस हो जाएगा हो गया इतना अब बस आप सिंपल इसको रख दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या यहाँ पर ये वन अपान में माइनस का टू हो जाएगा ए बी का होल यूनिवर्स बराबर ठीक है होल यूनिवर्स बराबर तो यहाँ पर ये यह माइनस का दो हो गया अब इसके स्थान पर ये वाला रख देते हैं इकसठ माइनस में सतासी माइनस में फोर्टी सेवन और छः सात ये हो जाएगा ठीक है आप चाहें तो इसका आपस में गुणा भी कर सकते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये हमारा आ गया पहला आंसर ये वाला अब हमें क्या निकालना है बी यूनिवर्स और ए यूनिवर्स दोनों को निकालना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए सबसे आसान तरीका आपका क्या है ये वाला हमें निकालना है और ये वाला निकालना है तो इन दोनों वैल्यू को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ए इनवर्स बराबर में सॉरी पहले ए बराबर करिए ठीक है ए बराबर यहाँ नोट कर लेते हैं तीन सात दो और पाँच ये है ठीक है और बी बराबर में यहाँ पर नोट कर लेते हैं छ सात और आठ और नौ ये चीज़ ठीक है अब इसका हम क्या करेंगे इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए ए यूनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है ए यूनवर्स बराबर वन अपान में ए फिर ए डी जे और ए ये होता है फॉर्मूला इसके लिए और सेम इसके लिए भी यही वाला लगेगा ठीक है बस ए के स्थान पर बी रहेगा तो यहाँ पर ये भी रहता है तो इसका हम क्या करते हैं पहले सारणी ज्ञात कर लेते हैं तो ए का सारणी क्या हो जाएगा तीन पचे पंद्रह यहाँ पर हो जाएगा पंद्रह माइनस लगा के सात दोनों चौदह एक आया ठीक है अब इसका एडजॉइट कर लेते हैं तो ए डी जे ए बराबर में इसको आपस में बदल दीजिए पाँच तीन अब इसके साइन को चेंज करिए माइनस का सात और ये माइनस का दो ये हो गया ठीक है तो ये निकल गया अब यहाँ से मान को रख देते हैं तो जब मान को रखेंगे तो ए का गुणा इसमें करेंगे जैसे कि यहाँ पर मान रखिए यहाँ पर वन वन इसका बराबर मान कितना आया एक आया है तो नीचे एक लिख दिया अब एड कितना निकला ये वाला पाँच माइनस का सात माइनस का दो और तीन अब एक बटा एक दोनों पहले का तो कट जाएगा फिर बचेगा एक यहाँ पर एक का इसमें गुणा करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा ठीक है तो मतलब इसका ये हुआ कि ए इनवर्स बराबर यही इतना निकला ठीक है ए इनवर्स बराबर हमारा यही इतना निकल गया अब चलिए बी इनवर्स ज्ञात करते हैं हम तो बी इनवर्स में भी सबसे पहले बी सार्डिक निकालते हैं बी का सार्डिक निकालते हैं तो छः नौ या चौवन ये हो जाएगा चौवन और सात आठ छप्पन माइनस का छप्पन बराबर में माइनस का दो आया ये निकल गया अब एड ज्वाइन निकालिए ए डी जे और बी बराबर में क्या करेंगे इन दोनों को आपस में बदल दीजिए नाइन हो जाएगा और यहाँ पर सिक्स हो जाएगा और इसके साइन को चेंज करिए माइनस का एट माइनस का सेवन ये इसका निकल गया ठीक है एडज्वाइंट अब क्या करेंगे अब इसमें बी इनवर्स बराबर में हो जाएगा क्या वन अपान में माइनस का टू अब इसमें क्या करेंगे नाइन और फिर ये माइनस का एट माइनस का सेवन और सिक्स ये कर देंगे ठीक है अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या करें इन दोनों का गुणा करना है तो चलिए पहले गुणा करते हैं ठीक है तो गुणा करने के लिए सबसे पहले इसको भी इसमें गुणा करना पड़ेगा तो बी इनवर्स बराबर में इसको जब उसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा नाइन बाई टू माइनस है तो माइनस में हो जाएगा अब ये माइनस में ये भी माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा आठ बट्टे में दो फिर ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा सात में दो फिर ये भी क्या हो जाएगा छः बटे में दो ये प्लस में है तो माइनस में मा हो जाएगा कुछ इस तरह से ठीक है अब इसमें वो जो काटने वाला है उसको काट भी लेते हैं तो ये नाइन तो कटेगा नहीं दो से पॉइंट में आ जाएगा तो पॉइंट में नहीं लाना है नाइन बाई टू कर लीजिए ये वाला कट जाएगा ये फोर हो जाएगा फिर ये सेवन बाई टू कर लीजिए फिर ये दो तीन छः ये हो जाएगा माइनस का तीन ये इस तरह से ठीक है अब ये इनवर्स और बी इनवर्स इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं उसके बाद से फिर देखते हैं कि क्या ये इतना आता है अगर आता है तो ठीक है अगर नहीं आता है तो फिर हमारा कुछ ना कुछ गलत हो सकता है ठीक है तो चलिए देखते हैं अब एक चीज़ और है आप यहाँ पर ये एक बटा दो को चाहे तो इसमें गुणा करें या फिर ना करें ठीक है उसे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं आगे अब चलिए ए इनवर्स और बी इनवर्स अब ज्ञात करते हैं ठीक है तो इनवर्स और बी इनवर्स है ठीक है सबसे पहले बी इनवर्स है आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा सबसे पहले बी इनवर्स है फिर है ए इनवर्स ठीक है अब इसके पास क्या करेंगे बी इनवर्स में अब देखिए इसमें क्या है दो को हमने इसमें गुणा कर रखा है ठीक है तो चलिए दो को हम बाहर ही रखते हैं सबसे आसान रहेगा ठीक है नहीं तो बाद में फिर दो थोड़ा सा दिक्कत करेगा तो माइनस का एक बट्टा दो हमने यहाँ पर बाहर ही रखा है ठीक है यहाँ से ये यह वाला यहाँ से देखिएगा अब ये वाला जो वैल्यू है उसको हम नोट कर लेंगे नाइन माइनस का एट माइनस का सेवन और सिक्स ये चीज़ ठीक है अब इसके पास ए इनवर्स को ये वाला यहाँ पर रखते हैं फाइव माइनस का सेवन माइनस का टू और थ्री ये चीज़ अब चलिए अब इसको हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा क्या माइनस का एक बटा दो को हम इधर बाहर ही रखते हैं अब एक चीज़ और है कि इसको हम सबसे पहले तो बाहर ही रखेंगे ठीक है तो ये इस तरह से कर लेते हैं इसको अब नौ पच्चीस पैंतालीस ये हो जाएगा पैंतालीस अब फिर ये और ये आठ दो न सोलह क्या हो जाएगा ये भी माइनस ये भी माइनस में प्लस में सोलह अब इसके बाद से क्या करेंगे फिर नौ का सात के साथ ठीक है सात दो ना तिरसठ तो माइनस का तिरसठ हो जाएगा फिर आठ तरीका चौबीस तो ये माइनस ये माइनस प्लस में चौबीस सॉरी ये माइनस और ये प्लस में है ना तो माइनस हो जाएगा अब इसके बाद से क्या करेंगे सात का इसके साथ तो माइनस में पैंतीस फिर छः का इसके साथ माइनस में बारह फिर सात का, का इसके साथ तो सात होते हैं उनचास फिर छः का इसके साथ प्लस में अट्ठारह ये हो जाएगा ठीक है माइनस में एक बटा दो अब इसको हम जोड़ लेते हैं इकसठ ठीक है इकसठ हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सतासी माइनस का सतासी हो जाएगा आइए तीस दस चालीस आठ सैतालीस माइनस का सैंतालीस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सड़सठ हो जाएगा ठीक है तो अब देखिए दोस्तों ये वाला वैल्यू बी इनटू इंटू इनवर्स इसकी वैल्यू ठीक है और यहाँ पर ये जो हमने निकाला था ये वाला ये दोनों देखिए सेम है ठीक है यहाँ पर आप मिला सकते हैं इसको ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू देखिए सेम है ठीक है यही हमें सत्यापित करना था मतलब कि हमारा आंसर आ गया ठीक है अगला देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तेरह है इसमें क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर ये इतना वैल्यू दे दिया है ठीक है अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस में फाइव ए प्लस में सेवन आई बराबर जीरो तो इसकी सहायता से ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये वाला जो दिया है मान ठीक है इसी समीकरण की सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है इससे पहले वाला क्वेश्चन में अगर देखा जाए मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में तो इसमें हम लोग कैसे करते थे इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे ए इसका बराबर वन अपान में फिर मोड़ में फिर एड ज्वाइंट ठीक है इनटू एड ज्वाइंट तो लेकिन इस पर हमें वो ऐसा वाला फार्मूला ए इनवर्स वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करना है हमें इसी के सहायता से बताना है ठीक है तब इसको हम कैसे करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तो बेसिक आपको एक चीज़ पता तो देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ए और ए इनवर्स बराबर में आई होता है ठीक है जहाँ पर ए और ए इनवर्स हो वहाँ पर आई होता है ठीक है अब ए का मान कुछ भी हो सकता है और आई का मान तो ये तो मान लीजिए फिक्स होता है ये वाला ये होता है आई का मान एक जीरो जीरो एक ये आई का मान होता है ठीक है टू क्रॉस टू के लिए अब इसके बाद से दूसरा हमारा क्या है कि ए इनवर्स और आई बराबर जब हो ए इनवर्स और आई हो आपस में जब गुणा कराओ हो तो उस, उस समय माइनस में ये होता है ठीक है ए इनवर्स से ही होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अब ये वाला कैसे होगा इसको अगर प्रूफ करना हो तो मान लीजिए ए बराबर हम कुछ मान लेते हैं ए बराबर हम मान लेते हैं एक दो तीन और चार यही मान लेते हैं ठीक है ए बराबर अब इसके बाद से ए इनवर्स ए और ए इनवर्स दोनों के मान को आपस में गुणा करेंगे और देखेंगे क्या ये इतना आ जा रहा है अगर आ जा रहा है तब फिर हमारा सही होगा कि ए और ए इनवर्स बराबर आई होता है ये चीज़ हमारा सत्यापित हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं ए इनवर्स की याद कर लेते हैं ए इनवर्स याद करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये होता है हमारा वन अपान में मोड में ए और ए डी जे और ए ठीक है ये फार्मूला होता है तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम मो सार्डिक होगा ठीक है सॉरी सार्डिक होगा सार्डिक में ए चार का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा चार तीन दोनों छः माइनस का छः बराबर में माइनस का दो निकल गया ठीक है इसका हम सार्डिक ज्ञात किए हैं अब क्या करेंगे अरज्वाइंट ज्ञात कर लेते हैं तो ए डी जे ए बराबर में क्या हो जाएगा इसको आपस में चेंज कर देंगे तो चार फिर इसके साइन को चेंज करेंगे तो माइनस का दो माइनस का तीन और यहाँ पर एक ये चीज़ हो जाएगा ठीक है तो इनवर्स बराबर में क्या हो जाएगा वन अपान में ए इसका मान क्या है माइनस का दो तो वन अपान में टू माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं अब इसके बाद से ये वाला लिख देते हैं चार माइनस का दो माइनस का तीन और एक अब इसको क्या करेंगे ए इनवर्स बराबर में इसको इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का दो आएगा माइनस का दो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा ये भी माइनस ये भी माइनस तो वन आ जाएगा फिर यहाँ पर माइनस का तीन बट्टा दो आएगा फिर यहाँ पर माइनस का एक बट्टा दो आएगा हो यहाँ पर ये यह माइनस है यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा ठीक है ये चीज़ आएगा ए इनवर्स बराबर अब क्या करते हैं ए और ए इनवर्स के मान को आपस में गुणा करके देखते हैं कि यह आई का मान आता है या फिर नहीं आता है ए इनवर्स बराबर में हो जाएगा ए बराबर क्या है एक दो तीन चार अब ए इनवर्स बराबर में क्या है माइनस का दो एक और तीन बटा दो माइनस में एक बटा दो यही तो है अब क्या करते हैं इसको आपस में गुणा करिए तो एक का इसके साथ करेंगे तो माइनस का दो आएगा ठीक है फिर इसका इसके साथ करेंगे तो बीच में लगाएंगे प्लस फिर दो का गुणा इसके साथ तो तीन बट्टा दो गुणे में, दुणे में, दुणे में, 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 में तो, दो इस दो से ये दो कट जाएगा फिर एक का इसके साथ तो एक दो का इसके साथ तो प्लस में एक बट्टा दो माइनस है यहाँ पर तो ये बीच में यहाँ पर माइनस लगा देंगे गुणे में दो अब इससे ये कट जाएगा फिर तीन का इसके साथ तो माइनस का छः फिर चार का इसके साथ तो प्लस में तीन बटा दो गुणे चार तो दो से ये दो कट गया तीन दो न होगा अब इसके बाद से फिर इसका इसके साथ तो यहाँ पर हो जाएगा तीन चार का फिर इसके साथ तो गुणे में प्लस में पहले प्लस में एक बटा दो एक बट्टा दो यहाँ माइनस लगा लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है फिर ये चार का इसके साथ तो ये चार का इसके साथ दो से इसको काट देंगे यहाँ पर दो बचा अब क्या करेंगे अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको आपस में जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अब ये माइनस का वन और ये प्लस का वन ज़ीरो हो जाएगा फिर यहाँ पर छः तीन दोनों छः ये प्लस में ये माइनस में ज़ीरो आ गया फिर यहाँ पर ये यह दो बचा है ये माइनस में है ये प्लस में तीन है तो मतलब कि एक तो इस तरह से हमारा क्या आ गया ये बराबर में आई का वैल्यू आ गया तो इससे हमारा स्पष्ट है कि ए A, A और A इनवर्स का जो हम गुणा करेंगे तो बराबर में आई का मान आ जाएगा ठीक है तो ये हमारा पहला वाला सत्यापित हो गया अब दूसरा वाला हमें करना है तो दूसरा हमारा इसमें क्या है कि अगर ए इनवर्स और आई के मान को आपस में गुणा करेंगे तो बराबर में ए इनवर्स ही आएगा तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं तो आई बराबर क्या होता है एक जीरो जीरो एक यही तो होता है अब इसके बाद से गुणा करना है ए इनवर्स ये वाला मान यहाँ पर रख देते हैं तो दो एक तीन बटा दो माइनस में एक बटा दो ठीक है ये चीज़ हो गया तो यहाँ पर ये माइनस है अब इसके बाद से इसमें गुणा करिए तो जब गुणा करेंगे तो एक का इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का दो ही होगा फिर जीरो का इसके साथ करेंगे तो प्लस में जीरो हो जाएगा फिर एक का इसके साथ गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा जीरो का इसके साथ करेंगे तो प्लस में जीरो हो जाएगा फिर जीरो का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फिर एक का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में तीन बटा दो ही हो जाएगा जीरो का इसके साथ जीरो एक का इसके साथ माइनस में एक बटा दो ये चीज़ ठीक है बराबर में क्या हो जाएगा इसको अगर सही से लिखें तो दो एक तीन बट्टा दो माइनस का एक बटा दो अब आप लोग चेक कर लीजिए कि यहाँ पर हमने i का वैल्यू ये हमने रखा a का a इनवर्स का वैल्यू ये हमने रखा इन दोनों का आपस में गुणा किया तो देखिए ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों सेम आया है ठीक है तो इससे हमारा सत्यापित क्या हो गया कि i के साथ अगर किसी भी a इनवर्स या फिर किसी को भी गुणा करेंगे तो बराबर में उतना ही आ जाएगा ठीक है अब चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है ए बराबर ये तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर तो पहले ए बराबर में ये वाला मान लिख देते हैं तीन एक माइनस का एक और दो ये मान हमने लिख लिया ठीक है अब इसके बाद से ए स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं मतलब कि ए का ही दो बार गुणा कर देना है तीन एक माइनस का वन टू अब इसके बाद से एक बार और इसी को तीन एक माइनस का एक और दो अब ये ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा तीन का इसके साथ तो नाइन हो जाएगा फिर इसके साथ तो माइनस का वन हो जाएगा फिर तीन का इसके साथ तो तीन हो जाएगा एक का इसके साथ प्लस में दो हो जाएगा एक इसके साथ माइनस का तीन हो जाएगा तीन का इसके साथ तो माइनस का दो हो जाएगा फिर एक का इसके साथ तो माइनस का एक फिर दो का इसके साथ प्लस में चार हो जाएगा अब इसके बाद से क्या करेंगे ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा एट फिर ये फाइव ये माइनस का फाइव ये हो जाएगा थ्री ठीक है ए बराबर ये इतना निकल गया अब इसके बाद से क्या करना है फाइव ए भी निकालना है ठीक है तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पर फाइव ए हमें निकालना है तो ए का मान क्या है ये वाला ए का मान है तो इसी जितने भी यहाँ पर ये सब मान है इसमें हम पाँच से गुणा कर देते हैं ठीक है तो क्या करेंगे तो इसी में पाँच से तीन पचे पंद्रह ये हो जाएगा पंद्रह एक में पाँच से गुणा करेंगे तो पाँच माइनस एक में पाँच से गुणा करेंगे माइनस का पाँच दो में करेंगे तो दस हो जाएगा तो ये हमारा फाइव ही निकल गया ठीक है अब सेवन आई भी निकालना है हमें तो चलिए सेवन आई भी निकाल लेते हैं तो सेवन आई बराबर में क्या हो जाएगा आई मान क्या होता है सबसे पहले तो आई मान यहाँ पर लिख लेंगे सेवन यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है आई मान यहाँ पर जीरो एक ये हमने लिख लिया ठीक है अब इसके बाद से सेवन का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा जीरो अब जीरो और सेवन यही तो होगा अब क्या करते हैं इन सभी मानों को हम इसमें हम रख देंगे और फिर देखते हैं कि जीरो आता है या नहीं आता है ठीक है अगर आ जा रहा है तब तो हमारा सही है तो ए स्क्वायर पहले लिखेंगे तो ये वाला है हमारा ए स्क्वायर तो आठ पाँच माइनस का पाँच और तीन ये हमने लिख दिया ठीक है ए स्क्वायर बराबर और उसके बाद से माइनस और फाइव ए फाइफ ए बराबर ये है तो उसको लिख देंगे पंद्रह पाँच माइनस का पाँच और दस ये हमने लिख दिया प्लस में सेवन आई तो प्लस में सेवन आई तो यहाँ पर सात जीरो जीरो सात ये चीज़ ठीक है अब इसको आपस में घटा देते हैं तो घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर ये प्लस करिए ठीक है, है उसके बाद से ये माइनस कर दीजिए ये प्लस ये पहले से माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए और ये माइनस कर दे ठीक है मतलब कि यहाँ जब प्लस करेंगे तो अंदर वाला जो प्लस है उसको माइनस में जो माइनस है उसको प्लस में कर देंगे ठीक है इसी में केवल अब देखिए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आठ सात पंद्रह मतलब कि माइनस का सात यहाँ पर बचा ठीक है अब इसको इस आपस में गुणा कर देते हैं मतलब कि घटाते हैं तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फिर इसको इसको ज़ीरो हो जाएगा फिर ये और ये घटेंगे तो माइनस का सेवन हो जाएगा अब इसके ये वाला बचा प्लस का सेवन जीरो जीरो सेवन अब इसको आपस में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में मतलब कि पूरा ये जीरो आ जाएगा जीरो, जीरो 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 ये हमारा आ गया जीरो ठीक है तो हमारा पहला आंसर तो ये आया ठीक है अब क्या करना है इसी के मदद से इसी के मदद से हमें ए इनवर्स का भी मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करिए आप ये वाला समीकरण लिखिए ये वाला समीकरण को यहाँ पर लिखिए आप तो लिखें ए स्क्वायर उसके बाद से माइनस में कितना है फाइव ए फाइव ए प्लस में सेवन आई बराबर में जीरो ठीक है अब यहाँ से हमारा शुरू होता है मेन नियम ठीक है देखिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देंगे ठीक है यहाँ पर लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में इनवर्स से गुणा करने तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओ इसमें एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया कि ये वाला हम इधर करेंगे ठीक है क्यों क्योंकि ये भी ए है ये भी ए है मतलब कि दोनों एक जैसे हैं ठीक है लेकिन ये सेवन के साथ में आई है तो क्या करेंगे इसको हम बराबर की इधर करेंगे और उसके बाद से ए यूनिवर्स से गुणा करेंगे यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया चलिए कोई बात नहीं ए इनवर्स माइनस में फाइव ए बराबर में इसको इधर करेंगे तो बराबर की इधर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा माइनस में सेवन आई अब इसमें हम क्या करेंगे ए इनवर्स से गुणा कर देंगे ये इनवर्स फिर इसमें भी इनवर्स ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर है इस इनवर्स हम लिख दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम स्क्वायर इस को हम दो बार ए लिख सकते हैं ये दो बार ए हमने लिख दिया ए गुण ए मतलब कि ए स्क्वायर हो जाएगा फिर इनवर्स वाला ए इनवर्स हो गया ठीक है माइनस में फाइव है ये फाइव A. ए इनवर्स A है तो इनवर्स हमने लिख दिया बराबर में ये क्या हो जाएगा माइनस में सेवन आई और इनवर्स ठीक है अब यहाँ से हमारा ज़रूरत पड़ता है किस चीज़ का ये जो हमने बेसिक बताया था इसका ठीक है कि ए इनवर्स बराबर में आई और ए इनवर्स और आई बराबर में ए इनवर्स ही होता है ठीक है तो ये चीज़ हम क्या करेंगे अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ठीक है तो हमने क्या बताया था कि ए इंटू ए बराबर क्या होता है आई होता है तो यहाँ पर लिख देंगे एक ए ये बज रहा है इसके बराबर क्या होता है आई होता है तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे माइनस में फाइव है तो फाइव ए इनवर्स ए इंटू ए यूनिवर्स बराबर में आई तो यहाँ पर आई लिख देंगे अब उसके बाद से सेवन ए इनवर्स में अगर हम आई से गुणा करते हैं तो ये ए इनवर्स ही रह जाएगा आई खत्म हो जाता है ठीक है ये चीज़ भी हमने प्रूव कराया अभी तो ये हो जाएगा सेवन ए इनवर्स ठीक है आई ख़त्म हो गया अब इसके बाद से आती है कि ए का गुणा अगर किसी भी आई के मान के साथ करते हैं तो ये उतना ही रह जाएगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होगा देखिए ए बराबर क्या है यहाँ पर तो ए बराबर हमारा है ये वाला ठीक है तीन एक माइनस एक दो तो यहाँ पर रख देंगे एक तीन एक तीन एक, एक माइनस का एक और दो ये हमने रख लिया आई का मान भी यहाँ पर हम रख लेंगे वन ज़ीरो जीरो वन माइनस में फाइव है फाइव रख लेंगे और यहाँ पर आई का मान एक जीरो जीरो एक बराबर में ये माइनस का सेवन ए इनवर्स ठीक है ए इनवर्स है ये हो गया इतना अब क्या करेंगे इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये इसके साथ गुणा करेगा तो मतलब कि ये वाला इतना ही रह जाएगा ठीक है ये इसका इसके आपस में गुणा करके देख लीजिएगा ये इतना ही रह जाएगा ये हो जाएगा तीन एक माइनस का एक और दो ठीक है जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो अब ये वाला है माइनस का जब ये इसमें गुणा करेगा तो यहाँ पर एक के स्थान पर फाइव हो जाएगा फाइव जीरो जीरो फाइव ये हो जाएगा ठीक है यहाँ माइनस है प्लस करिए अब इसके चिन्ह को बदल दीजिए बस सेवन ए इनवर्स अब इसको आपस में क्या करिए जोड़ घटा लीजिए तो जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का दो आ जाएगा फिर ये आपस में जुड़ेगा तो एक आ जाएगा इसको माइनस का वन हो जाएगा फिर इसको इसको करेंगे तो माइनस का दो हो जाएगा अब उसके बाद से फिर माइनस है तो ये हो जाएगा क्या माइनस का सेवन ए इनवर्स ये चीज़ ठीक है तो इसको क्या करेंगे ए यहाँ पर ए इनवर्स के साथ में गुणा कर गुणाकारा तो इसको हम इधर कर देंगे तो ये क्या करेगा भाग करने लगेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हम यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इसके साथ तो ये हो जाएगा वन अपहान में सेवन ठीक है ये इधर गुणा करा इधर आएगा तो अब माइनस भी इधर ही कर देंगे अब इसमें क्या करेंगे कि इसको हम लिखे रहेंगे यहां पर माइनस का दो अब एक माइनस का वन और माइनस का टू ये इस तरह से लिख देंगे और बराबर में ए इनवर्स अब ए इनवर्स को चाहे तो यहां भी बराबर लगा के यहां भी लिख सकते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं आप क्या करिए कि माइनस का गुणा इसमें करिए एक बटा यहीं पर रखिए ठीक है चाहे तो आप इसका भी इसमें गुणा कर सकते हैं आप में आ जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो जो उतना जितना भी माइनस है वो पूरा प्लस में हो जाएगा जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या दो ये माइनस में हो जाएगा और सारा प्लस में हो जाएगा बराबर में ए इनवर्स ठीक है तो ये हमारा ए इनवर्स बराबर निकल गया बस यही हमारा आंसर हो गया ठीक है और इसमें एक चीज़ क्या है यहाँ पर दो और पाँच घटाएंगे तो यहाँ पर तीन होगा ना हमने दो ही लिख दिया था सॉरी तो यहाँ भी तीन हो जाएगा और यहाँ भी तीन हो जाएगा ठीक है अब ये इसका प्रॉपर आंसर आ गया ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक तो हमने सॉल्व कर दिया ठीक है अब इसके आगे पार्ट थ्री में हम सॉल्व करेंगे पूरा पूरा ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन तक पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें